फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आप सभी लोगों को एक बोर्ड की वायरिंग करना बताऊंगा कि इसकी वायरिंग किस तरीके से होगी। तो इसमें चार स्विचेस लगी हैं, दो 5-पिन सॉकेट हैं, एक इंडिकेटर है, एक होल्डर है और एक फ्यूज है। तो इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊँगा। तो आइए वायरिंग करना सीखते हैं। तो इसमें इस तरीके से है, तो इसमें किस तरीके से वायरिंग होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो चार स्विचेस लगी हुई हैं, ये 1, 2, 3, 4, इन चारों के जो नीचे वाले टर्मिनल हैं इनको आपस में शॉर्ट कर देना, मतलब कि आपस में जॉइंट कर देना इस तरीके से। इस वायर को छील करके इन चारों में आपको इस तरीके से लगा देना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें वायर को लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे कनेक्शन बताता हूँ। तो इसमें मैंने चारों टर्मिनल को आपस में इस तरीके से कर लिया है शॉर्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जॉइंट कर लिया है। और अब ये देखिए, ये है फ्यूज। तो अब हम इसमें जो ये फेस वायर निकला है इन चारों स्विच से, ये हमारा इस फ्यूज में इस तरीके से हो जाएगा कनेक्ट। और आपको हम बताते हैं इंडिकेटर का वायर आपको कहाँ कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप फ्यूज में इसे कनेक्ट कर लीजिए। फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना होता है, तो मैंने इसमें फेस इस फ्यूज में इस तरीके से दे दिया है। अब बारी आती है इंडिकेटर की। तो ये है इंडिकेटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ये रहा, तो इसको भी फेस चाहिए। तो इसको हम फेस कहाँ से देंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक वायर को इसमें कनेक्ट कर लेना है इस तरीके से, मतलब कि आपको फेस वायर कनेक्ट करने के लिए इसको फेस देना है। तो इस वायर को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और बाकी का आप फेस जो कनेक्ट करना है आपको उसको आप चाहे इन चारों में नीचे वाले जहाँ जो वायर कनेक्ट है कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपको इस वायर को ऐसे कट कर लेना जो बड़ा था, और इसे इस तरीके से छील करके आपको इसको इस बोल्ट को ओपन करना है। उसके बाद आपको इसी में इसे लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें लगा दिया और इसे टाइट कर दिया। तो सिंपली अब फेस इंडिकेटर को मिल चुका है, फ्यूज से आया, यहाँ से हमारा इनपुट होगा और इस फ्यूज से आया, इन सार चारों स्विचेस में मिल गया फेस, और वही फेस जाकर के इधर इंडिकेटर में भी मिल गया इस तरीके से। तो मतलब कि फेस का काम इधर समाप्त हो चुका जो मेन लाइन का था, और अब हमें फेस को देना है जो जो पॉइंट हमें चलाने हैं, मतलब कि जैसे इस सॉकेट को चलाना है, इसको भी फेस देना होगा, इसको भी और इस होल्डर को भी फेस देना होगा। तो सबसे पहले ये है होल्डर, तो आपको जिस स्विच से करना हो, तो मुझे इस वाले स्विच से इसे का कनेक्शन करना था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस वायर को, क्योंकि सॉकेट के बगल वाले में ही स्विच का जोड़ा जाता है, मतलब कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि आसानी रहे, पता चल जाए ये इसकी स्विच है ऑन करने में। और इससे ये कर देंगे हम लोग, और इन दोनों में जिसमें आपकी मर्जी हो उससे ये कनेक्ट कर सकते हैं, और एक स्विच खाली रहेगी, आपको फैन वगैरह चलाने के लिए काम देगी, या फिर आप ट्यूबलाइट जलाएँ, कुछ भी आप चला सकते हैं। उसके लिए 6 एम्पियर का ये स्विच मिलता है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा है। तो और एक वायर को हम यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, इस होल्डर को भी कनेक्ट, और इसको भी मिल चुका है फेस। तो होल्डर को भी फेस मिल चुका है। अब हम इसमें इस सॉकेट में जहाँ पे लाइन लिखा है इसको फेस देंगे यहाँ पर, और इसमें जो लाइन लिखा है इसको हम यहाँ पे फेस देंगे इस स्विच से, और इसको इस स्विच से। तो आइए अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से फेस को हमने इस सॉकेट में भी दे दिया इस स्विच से, और इस स्विच से इसको भी फेस दे दिया, मतलब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसको फेस यहाँ से मिल जाएगा स्विच के होते हुए, और क्योंकि इसको सीरीज में कनेक्ट होती है हमेशा, और यहाँ से इधर देखिए यहाँ पे फेस मिल चुका है। और आपको इसे लाइन वाले वायर में देख पा रहे हैं आप, जिसमें कि L लिखा हुआ है, ये होता है लाइन, मतलब कि फेस आपको उसमें स्विच का कनेक्शन करना है, जैसे कि इस तरीके से इसमें भी है L, जिसमें L लिखा है लाइन होता है। और न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं, अर्थ वाले में अर्थ को। तो अब हम फेस का काम समाप्त हो चुका है इस बोर्ड में, अब बाकी की एक स्विच ये खाली बची है। अगर आप कोई बाहर से कोई बल्ब वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं, होल्डर बल्ब या फिर कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, फैन है, ट्यूबलाइट, कुछ भी, सब कुछ आप इसी से चला सकते हैं। तो आपको जो बाहर के दो वायर आएंगे उन्हें कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको एक यहाँ पे कनेक्ट करना है और एक न्यूट्रल, आप यहाँ पे अभी हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, या यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं,
और यहाँ पे हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, यहाँ करेंगे, तो आप कहीं पर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम न्यूट्रल को करते हैं कनेक्ट। तो किस प्रकार से करना है, तो आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रल देना है, फ्यूज में न्यूट्रल नहीं देना है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। फ्यूज हमेशा फेस में लगता है और सीरीज में लगता है। तो आइए अब हम इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अब हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से अब हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है इस सॉकेट से। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, इस इंडिकेटर में होल्डर इस इंडिकेटर में न्यूट्रल कनेक्ट किया और इस होल्डर में न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। तो अब हमारा न्यूट्रल का भी काम हो चुका है समाप्त। और अब हम इसमें जो इनपुट कराएंगे फेस और न्यूट्रल, वो कहाँ कराने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको फेस को यहाँ पे कनेक्ट कराना है, मतलब कि इनपुट करा देना है फेस वायर को। इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है फेस वायर को, जो कि फेस वायर आएगा हमारा इनपुट का, उसे आपको यहाँ पे लगा करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और ये इधर कनेक्शन के लिए हम इतना बड़ा वायर बाहर निकाल देते हैं। और इधर अब हम न्यूट्रल को भी निकाल लेते हैं। आप न्यूट्रल यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैं यहीं पर से न्यूट्रल को बाहर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया कनेक्ट। और इस तरीके से आप न्यूट्रल भी बाहर हमारा निकल चुका है इस तरीके से। तो अब हमारी इस बोर्ड की वायरिंग हो चुकी है फुली कंप्लीटेड। तो अब हम आपको एक बार दोबारा से इसके कनेक्शन समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो इधर से फेस वायर आया, इस फ्यूज में गया, इस फ्यूज से आया इसमें स्विचेस में गया चारों, और उसके बाद यहाँ से निकला इंडिकेटर में चला गया, और इस स्विच से इस सॉकेट में फेस गया, इस स्विच से इस सॉकेट में फेस गया, इस स्विच से इस होल्डर में फेस गया। और ये स्विच हमारी खाली है तो इसका कोई मतलब नहीं। ये इस तरीके से फेस का काम हो चुका समाप्त। तो अब हमारा न्यूट्रल की बारी आती। न्यूट्रल इधर से आया, यहाँ पे इनपुट हुआ, इस होल्डर में गया, यहाँ से इस सॉकेट में गया, इस सॉकेट में गया, और बाकी न्यूट्रल का भी काम हुआ ख़त्म। तो मतलब कि जो जो चीज़ चलानी है उसमें उसमें हमें न्यूट्रल देना है। और अगर आपके पास कोई भी ट्यूब लाइट है या फैन है जो कि आप इस स्विच से कनेक्शन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार करेंगे? तो सिंपली जैसे फैन आया तो उसके दो वायर होंगे, फेस और न्यूट्रल। तो फेस को आपको कर देना है इस स्विच के जो ये टर्मिनल खाली है इसमें, और बचा न्यूट्रल। न्यूट्रल आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर, और या फिर डायरेक्टली जो बाहर निकला यहाँ पर, आप न्यूट्रल कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से थी बोर्ड की वायरिंग। तो आइए अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप अर्थ की वायरिंग करना भी चाहते हैं तो इसमें देखिए दो पॉइंट अर्थ के बने हुए हैं, इनमें भी आप कनेक्शन करके निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें फ्यूज भी बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्यूज नहीं बंधा हुआ होता है। और इसे हम फ्यूज लगा लेते हैं पतले वायर का, और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो अब हमने फ्यूज को भी कनेक्ट करके लगा दिया है, और अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो अब हम इसमें 230 वोल्ट की एसी लाइन देते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से अब हमने 230 वोल्ट की एसी लाइन इसमें इनपुट करा दी, और देखिए इंडिकेटर कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है। और इसमें मैंने लगा दिया बल्ब, और अब हम स्विच को ऑन करते हैं। इस स्विच से मैंने किया था, तो ये देखिए ये बल्ब चालू हो गया इस तरीके से। और अब हम इन सॉकेट को भी आपको टेस्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने होल्डर में लगाया बल्ब को इस तरीके से, और अब हम आपको इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। जैसे अब हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, और देखिए इस स्विच से ये सॉकेट भी वर्क कर रहा है, और बल्ब हमारा कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है। तो इसी तरीके से अब हम इस सॉकेट को भी करेंगे टेस्ट। और मैं स्विच को ऑन किया, देखिए बल्ब कितनी अच्छी तरीके से जल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बोर्ड की वायरिंग आपको पसंद आई होगी, आप कुछ नया सीखे होंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।